बैंकों में लाखों या करोड़ों रुपए की लूट और डकैती की कई घटनाओं से जुड़ी खबरें आपने पढ़ी या सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको जिस बैंक डकैती के बारे में बताने जा रहे हैं वो बैंक डकैती के इतिहास में सबसे अनोखा मामला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बैंक डकैती में सीधे तौर पर उस देश के राष्ट्रपति का बेटा शामिल था। ये सुनकर आप हैरान तो हो रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो आपको बता दें कि करीब 17 साल पहले इराक के सेंट्रल बैंक में एक डकैती हुई थी। उस बैंक डकैती में कुल $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 7,562 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। जी हाँ, पूरा मामला मार्च 2003 का है। उस वक्त इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे, जिनकी अमेरिका से दुश्मनी जग जाहिर थी। कहा जाता है कि अमेरिका ने इराक पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। उसे कुछ घंटे पहले सद्दाम हुसैन के बेटे उसे बगदाद स्थित इराकी सेंट्रल बैंक पहुंचे और बैंक के प्रमुख को एक पर्ची थमाई, जिस पर लिखा था कि सुरक्षा कारणों से बैंक के सभी पैसों को राष्ट्रपति ने दूसरी सुरक्षित जगह ले जाने का आदेश दिया है। उस वक्त चूंकि इराक में सद्दाम हुसैन का खौफ था, लिहाजा बैंक प्रमुख बिना कुछ बोले पैसों को ले जाने की अनुमति दे चुका था, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन के बेटे कुसई ने इराकी बैंक से इतने रुपए लूटे थे कि उन्हें ट्रकों में भर भर कर ले जाने पड़े थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि लूट की रकम को ट्रकों में भरने में करीब 5 घंटे लग गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि बैंक में और भी पैसे थे, लेकिन उन्हें रखने के लिए ट्रक में जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया। इस बैंक डकैती की बात दुनिया भर में तब फैली जब घटना के तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने इराक पर बमबारी शुरू कर दी। इस दौरान इराकी सेंट्रल बैंक पर भी उन्होंने कब्जा जमा लिया, लेकिन उन्हें वहाँ पता चला कि सारे पैसे तो सद्दाम हुसैन का बेटा कुसाई ले गया। मामले की छानबीन हुई, सद्दाम के महल की भी तलाशी ली गई, मगर बैंक लूट का एक बड़ा हिस्सा कभी नहीं मिला। ये बैंक डकैती बाकी इसलिए भी खास थी क्योंकि इस लूट में एक भी गोली नहीं चली थी, ना ही किसी से कोई मारपीट हुई थी, सब कुछ बड़े आराम से हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट।